अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश। पिछली वीडियो को लेकर चलते हैं। पहले हमने पिछली वीडियो में सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया था, लेकिन डाउनलोड करने के बाद उसको हमने अपने रिसीवर के अंदर यूज़ कैसे करना है और अपने रिसीवर का जो अपग्रेड करना है वो कैसे करना है, आज की वीडियो में हम उसको देखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा मेरा सॉफ्टवेयर जो हमने लास्ट वीडियो में डाउनलोड करने के लिए लगाया था, और इसका नाम था 1506.512.4M। दोस्तों, फ्लैश को रिसीवर के साथ लगाने के बाद हम इसको अपग्रेड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिस्पांस आता है, क्या हमारा सॉफ्टवेयर डायरेक्ट इसके अंदर चलता है कि नहीं। तो ये हमारी USB है, ये हमारा सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया था। दोस्तों, ये देखें, नो मैच फाइल का एरर आ गया है। तो भाई लोग, घबराने का नहीं, हम वर्जन में जाएंगे। वर्जन में जाने के बाद कस्टमर आईडी जो इस रिसीवर की है वो जानेंगे। उस कस्टमर आईडी को हैक्स एडिटर एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करेंगे, उसमें वो कस्टमर आईडी लगाएंगे। कस्टमर आईडी लगाने के लिए 1502 प्रेस करेंगे, उसकी कस्टमर आईडी शो हो जाएगी आपके रिसीवर की। तो ब्राउज़र में आप यहाँ पर हैक्स एडिटर करें डाउनलोड, वो इजीली आपको मिल जाएगा। पहला लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरा प्रीवियस सॉफ्टवेयर है जो मैंने लास्ट वीडियो में डाउनलोड किया था, इसको मैं हैक्स एडिटर के अंदर ओपन करने लगा हूँ। दोस्तों, हैक्स एडिटर मैं इसलिए आपको डाउनलोड करके नहीं दिखा रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। तो इसको मैंने उसके अंदर अपने हैक्स एडिटर के अंदर ओपन कर लिया। तो ये इसको अब हम एडिट करते हैं। अच्छा जी, तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है एडिटर के अंदर। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि बासानी में नज़र आ जाए। तो सर्च में जाते हैं और यहाँ पर इसको साइड पर करते हैं। ये हम सर्च पे गए। सर्च में जाने के बाद हमने गो टू के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे हमने ऑफसेट के अंदर 01 कैपिटल ए 000 ऐड किया। तो ये देखें, इसको जो है हेक्स के ऊपर ही क्लिक करना है, DEX के ऊपर या ऑक्टा के ऊपर नहीं करना। तो ये बिगिन रहेगा। तो ओके करने के बाद यहाँ नीचे, फुल नीचे हमें कर्सर जो है वो शो होगा। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली ये हमारा शो होना शुरू हो गया। तो हमारी जो कस्टमर आईडी है जो हमारे रिसीवर की है वो है E0521F170200। जो चीज़ें हमारी ऑलरेडी हैं उनको ज़रूरत नहीं छेड़ने की, और जो हमारी मुख्तलिफ हैं वो उनको हम यहाँ पर एडिट कर लेंगे। चलें जी, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। E0521F यहाँ पर 17 और 00, ठीक है जी। इतना करने के बाद इसको सेव करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर हमारी फाइल शो होना शुरू हुई है। सबसे अहम बात जो कोई भी नहीं बताता वो ये कि यहाँ पर .bin ऐड करना है। इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे वो इस एक्सटेंशन को उठाते हैं। सॉफ्टवेयर को अपनी USB में सेव करने के बाद हम उसको रिसीवर के साथ लगाते हैं। और ये देखें, हमारे पास सेकेंड लास्ट नंबर पर हमारा सॉफ्टवेयर शो होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अगर मैं दोबारा कोई गलत सॉफ्टवेयर करूँगा तो ये देखिए, मेरे पास नो मैच का एरर आ गया है। तो अब दोबारा मैं आपको जो मेरा सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है वो करते हैं चेक। तो ये देखिए, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इसको अपडेट होने देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं। मैं वीडियो को पॉज इसलिए नहीं कर रहा कि बाजूखा दोस्त कहते हैं कि वीडियो एडिट है या वीडियो में कुछ चेंजिंग की है, तो इसलिए मैं इसको पॉज नहीं कर रहा। हैक्स एडिटर जो है वो छोटा सा एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है,
वो मैं आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। वो इतना मुश्किल नहीं है उसको डाउनलोड करना, इसलिए मैंने उसको सिखाया नहीं आपको करके, वीडियो लंबी हो जानी थी। तो दोस्तों ये देखें मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसको चेक करता हूँ कि इसके अंदर फीचर क्या है। दोस्तों मेन्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमें नया मेन्यू देखने में नज़र आ रहा है। सेटिंग में आने के बाद हम इसका वर्जन चेक करते हैं, तो इसके वर्जन के अंदर देखें SGF1V906182 ये हमारा वर्जन, और साथ नीचे उसकी डेट 2019 बोस्ट वो भी शो हुई है।